नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ दुर्ग, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। आपके सम्माननीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी और हमार छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह लोहान जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार बबल जी, उपाध्यक्ष दीप चौहान, पहले हजारों में संख्या थी जो मतलब बिजली पंप से अपने खेतों में पानी पहुंचाते थे, लेकिन 15 साल में वो संख्या लाखों में चला गया। हमको मालूम है कि 4 लाख से भी ज्यादा किसानों को बिजली के द्वारा मतलब उनके खेतों में पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने किया। तो ये सब चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। डॉक्टर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगुना करने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू किए है ना, और भी कई तरह का मतलब किसान चैनल शुरू किए। तो ये सब किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिंतन किया है, जो कि और दूसरी सरकार ने नहीं किया। हमारे संचालक बोल रहे थे इसलिए सब मैं बात बता रहा हूं। और किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों का आगे भला हो इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। कल हमारी सरकार का 1 महीना होगा। कल 13 दिसंबर को शपथ लिए थे, कल 13 जनवरी है, तो कल 1 महीना होगा। लेकिन आप देखेंगे तो इस 1 महीने में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए कई मतलब चिंता किए हैं। एक तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश हुआ है। 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो रहा है और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात है मोदी की गारंटी में। अभी किसानों को MSP मिल रहा है, लेकिन मैं इस किसान मेला में मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो अंतर की राशि है 900 या 917 रुपया प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि है, इसको हम लोग बहुत जल्दी एक मुश्त देने वाले हैं। और जब 15 साल की अपनी सरकार थी तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, और मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का ये वादा था किसानों से कि 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनके जन्मदिन के दिन 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपया से ज्यादा की राशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए। 3716 करोड़ रुपया सीधे सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए, और ये सब दर्शाता है कि हमारी सरकार किसानों के प्रति कितना मतलब चिंतित है। तो किसान उत्तरोत्तर विकास करें, हमारी ये शुभकामनाएं है, और आगे भी किसानों के हित में और क्या क्या कर सकते हैं वो सब करेंगे।